हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर पेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक हूं। आज दोस्तों फिर से बटर की केस में गिनी फॉल गया। ये देखिए, इस केस के अंदर फिर से घुस गया। और इसके अंदर ना दोस्तों 11 बटर है और बाकी तो नीचे है। ये देखिए क्या घूम रहे हैं, इसको पकड़ते हैं। देखिए यार, तो सबसे पहले गिनी फॉल को बाहर निकालते हैं। निकलो 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 यार, सभी बटर आज बाहर निकलेगा। जाओ 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 जाओ। ये देखिए बाहर चला गया। यहाँ पर एक बटर है, पकड़ लिया इसको। और एक तो यहाँ पर है, अरे मेरे पास ही आ रहे थे। जाओ 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 जाओ। और देखिए दोस्तों, बटर को जिस फीडर में फीड देता हूँ ना, इसको ऐसा हालात क्या है, इसको बाहर निकालते हैं, इसके अंदर फीड डाल के फिर से लाते हैं। रुको रुको रुको, अरे हाथ में बाइट कर रही है लोग। रुको 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 रुकु रुको, चलिए हमारा गिली पिग्स को खाने के लिए देते हैं। ठीक है, यहाँ पर रो रहे हैं। जाओ जाओ जाओ, खाने खिला जाओ। दोस्तों हमारे पास टोटल 6 हेल्दी गिनी पिग है। एक तो यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर घूम रहा है। हाँ हाँ, और दोस्तों बाकी सब आने में दिए हैं। और थोड़ा कुछ गिनी पिग्स मर गया है, मैं लोग ऑलरेडी सीधा रश्मि सेल पर दिखाया। देखिए हाँ, कुछ दिनों से खराब दिन चल रहा है, कई बार हम लोगों को यहाँ पर मैं अपने खरगोश को देखिए ऑर्डर इस मैंने खाने के लिए दिया और ये लोग मजे से खा रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, सभी आ जाओ। खरगोश के बच्चे भी खा रहा था, उसको मैं गिनी पिग्स के साथ रखता हूँ क्योंकि वहाँ पर मैं ग्रास वगैरह डाल दिया। ये देखिए धुब ग्रास डाल दिया और यहाँ पर है ना धुब ग्रास खाएगा। और जो ब्लैक कलर की बच्चे ना उसको, वो यहाँ पर नहीं, मतलब इस रूम के अंदर नहीं है, वो बाहर गई है। उसको ना पकड़ के लाता हूँ एक सेकंड। ठीक है, टर्की को फार्म के अंदर रखने का समय भी हो चुका है। ये देखिए मेरे आगे आगे हमारा जो टर्की है ना वो जा रहे है। ये मैं फार्म को खोल दिया। जाओ 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 जाओ, चलो 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 चलो। हाँ, ये दोनों टर्की फार्म के अंदर गई है। तो अब ना, अरे तुम यहाँ पर क्या करो, इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए वहाँ पर है यार, वो देखिए कितना बदमाश हो गए ये लोग। इनको ना पकड़ना भी काफ़ी मुश्किल है दोस्तों, क्या ही बताओ लोग को। काफ़ी तेज भागते हैं। आजाओ 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 आजाओ। दोस्तों बहुत कोशिश करने के बाद हमने इस ब्लैक कलर के बच्चे को पकड़ लिया। अभी दोस्तों मैं डक्स को खाना देने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये है चावल, ठीक है, एंड उसके साथ में चापड़ वगैरह मिलाऊंगा। इसके अंदर दोस्तों चापड़ है, ठीक है, तो मैं थोड़ा कुछ चापड़ भी लेने वाला हूँ। ये देखिए बहुत सारे डक्स है ना, इसे थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ता है, इतना ही काफ़ी है। इसके साथ ना दोस्तों मैं लेयर फीड मिलाने वाला हूँ। इसके अंदर है दोस्तों लेयर फीड, ये देखिए, तो मैं थोड़ा कुछ मिलाऊंगा, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अब चलिए इसको डक्स को खाने के लिए देते हैं। तीनों इसमें पानी के साथ मिलाया, अब मैं हमारा डक्स को खाने के लिए देने वाला हूँ। आ जाओ 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 आ जाओ। ये आ गया, रुको 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 रुको, अरे निकल यहाँ से। ये मैं डाल दिया दोस्तों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सभी को एक्चुअली यहाँ पर जगह नहीं होते हैं, काफ़ी सारे है ना, सो मुझे बहुत ही जल्दी बड़ा सा बाउल लाना पड़ेगा ताकि ये लोग आराम से खा सके। ये देखिए कितना मज़े के साथ ये लोग फीड खा रहे हैं दोस्तों। ये जो डक्स देख रहे हैं ना दोस्तों, ये सभी को मारते हैं यार। उसी सेकंड के अंदर हमारे डक्स ने सभी फीड को खाया है। अब इनको ना घर के अंदर रखना होगा। जाओ 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 जाओ, अपने अपने घर चलो 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 चलो। ये तीनों यहाँ पर रहती है। जाओ 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 जाओ, चलो 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 चलो। हाँ जाओ 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 यार, इसको ना बंद कर देते हैं। एंड हमारा जो बाकी डक्स है ये लोग भी थोड़े देर बाद जाएगा, जब अंधेरा हो जाएगा ना तब ये लोग घर के अंदर जाते हैं। दोस्तों आज एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्या है बताऊं लोगों को। मैं आप लोगों को परसों की ब्लॉग में बताया था कि हमारा जो वाइट है ना, उनमें से एक वाइट में प्रेग्नेंट है, जो बहुत ही जल्दी बच्चे लेने वाली है। तो मैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग से रखा था और वो फिर मेरे बच्चे देने के वक्त दोस्तों मर गया और चार बच्चे जन्म भी गया। वो फिर ना दोस्तों यहाँ पर है गई, ये देखिए ये फीमेल चार बच्चे दी है और बच्चे जन्म देने के वक्त ये मर गई है। और इसकी जो बच्चे हैं दोस्तों वो मैं इसके अंदर रखा, ये तो मैं दिया था, ठीक है, इसके अंदर ही बच्चे को जन्म दिया। तो आप लोगों को शायद यहाँ पर दिख रहा है ना, फ्लैश को मैं ऑन करता हूँ। ये देखो इसके अंदर ना बच्चे हैं
तो बच्चे जन्म देने के बाद तुरंत बाद ये फीमेल मर गई और इसकी पेट में दोस्तों और भी काफ़ी सारे बच्चे हैं जो मैं महसूस कर रहा हूँ यार। सो सैड यार, कहीं मत आप लोगों को, मुझे तो बहुत ही दुख हो रहा है, रोना भी आ गया दोस्तों। इसको ना यहाँ पर रखते हूँ और मुझे एक बात की चिंता हो रहा है दोस्तों, वो है कि मैं इन बच्चों को कौन सी फीमेल की दूध पिलाऊंगा। तो मेरे पास आइडिया है दोस्तों, रिसेंटली और एक फीमेल ने 7 बच्चे की है जो इस नेस्ट बॉक्स के अंदर है, मैं उन लोगों को दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर है, आप सभी ने देखा ही है ना, बच्चे तो है यहाँ पर है, 7 बच्चे हैं। तो यहाँ पर न्यू जो मेंबर्स आई है, ये देखिए 4 बच्चे हैं, तो इतना फ़र्क नहीं है, 2-3 दिन का फ़र्क है। तो इन बच्चों को मैं इसके अंदर रखने वाला हूँ, तो पता नहीं वो फीमेल ने इन बच्चों को फीडिंग करवाएगी या नहीं, एक्सेप्ट करेगी या नहीं, तो फिर भी मुझे यहाँ पर दोस्तों रखना होगा, नहीं तो मेरे पास और कोई चारा नहीं है। आज दोस्तों मेरा मूड बिल्कुल ऑफ है। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ डक्स का जो हाउस है ना वो बंद करने के लिए, ये है इनका डोर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है हमारा मुर्गी, मुर्गी अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर रहती है। और यहाँ पर देखिए हमारा डक्स, सभी डक्स यहाँ पर आ गया है, दिख रहा है ना, सभी डक्स यहाँ पर है। एंड दोस्तों मस्कूबी डक्स है ना, उनको मैं दिखाता हूँ ये लोग रात के समय कहाँ पर रहती है। ये देखिए ये लोग ना रात के समय ऊपर आके बैठ जाती है। हुई क्या कर रहे हो, ये देखिए मिलना, मुझे डरा रहा है यार। अरे अरे अरे, अरे कुछ नहीं, करने वाला हूँ, यहाँ से भागना होगा दोस्तों, ये लोग ना डर रहे हैं। इस बच्चे की जो आंखें हैं ना दोस्तों वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, ये देखिए मैं इसको रोज़ मेडिसिन लगाता हूँ, ठीक है। और इसकी जो आंखें हैं वो ठीक हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा जो बच्चेस है ना, ये लोग भी ठीक ठाक है, ये तो मैच्योर फीमेल है, ठीक है, सभी एक ही जगह पर बैठा है दोस्तों। इस टैंक के अंदर जितने भी प्राउन फिश है ना, वो देखिए ये आर्टिफिशियल प्लांट में बैठा है। और यहाँ पर देखिए इसके पेट में ना काफी सारे अंडे हैं यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोस्तों ये यहाँ पर ना बच्चे देने वाली है। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टैंक से थोड़ा कुछ रूपचंदा को हटाना होगा, तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, यहाँ से हटाना होगा या नहीं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हमारा जो सकर फिश है ना दोस्तों, सकर माउथ कैट फिश, ये एक्चुअली रात के समय बाहर निकालती है, ग्लास में जो एल्गे जमते हैं ना वो खाते हैं। बातें करते करते दोस्तों हमारा जो सकर फिश है ना वो देखिए बाहर आ गई है एल्गे खाने के लिए, ये देखिए। चलिए इसको रूपचंदा को खाने के लिए देते हैं, यहाँ से देता हूँ रोज, देखिए फिर आ गया है। और हमारा जो रूपचंदा है ना वो खाने के लिए जाएगा, ये देखिए सभी गया ही। और ये वाला फीमेल मोली फिश कब बच्चे देगी पता नहीं, जस्ट इसकी जो पेट है ना तो धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। आप चलिए मोली फिश को खाने के लिए देते हैं, जो हाथ से गई, आ जाओ खाने के लिए आ जाओ, ये देखिए। तो दोस्तों यही था आज का हमारा एक छोटा सा ब्लॉग, आप लोग को पसंद है तो ब्लॉग को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी करना। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, बाय बाय।